और आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं पृथला से। 1.5 साल की मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया पृथला से। गंभीर घायल मासूम अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पृथला से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से और 1.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म इस पड़ोसी ने किया था, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। जांच पुलिस विभाग की तरफ से की गई और हालांकि गंभीर घायल को मासूम बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच में पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र कुमार हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। राजेंद्र, कब का है ये पूरा मामला और इस वक्त मासूम की हालत कैसी है? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या निकलकर सामने आया? महिमा, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये देर रात का मामला है और जिस तरीके से 1.5 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने बर्बरता की है, तो कहीं ना कहीं इससे काफी रोष लोगों में व्याप्त है और आरोपी को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। आज उसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा पुलिस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं बच्ची की जो हालत है वो चिंताजनक अभी भी बनी हुई है। जी महिमा जी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्या निकलकर सामने आया राजेंद्र? हेलो, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है राजेंद्र? जी जी जी, बताइए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, क्या निकलकर अब तक सामने आया? देखिए, साफ तौर पर कहें तो पड़ोस में रहता था और मौका पाकर इसने बच्ची के साथ जो बर्बरता की है और बच्ची काफी गंभीर अवस्था में है और पुलिस अभी इससे और जानकारी जुटा रही है और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जो मामला दर्ज कर लिया गया है, इसको लेकर जो है पुलिस ने रात को ही टीम का गठन कर दिया गया था और देर रात इसकी गिरफ्तारी हुई है। जी शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो गंभीर घायल मासूम अस्पताल में फिलहाल भर्ती है और जांच फिलहाल जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुखबीर सिंह SHO इस खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। सुखबीर जी, क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की तरफ से आगे किस तरह से कार्रवाई की जा रही है इस आरोपी पर? इसमें मैडम कंप्लेन प्राप्त होते ही हमने इसमें पोस्को एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर दिया है। लड़की की हालात स्थिर है, कड़ी मशक्कत के साथ टीम ज्वाइंट टीम के साथ हमने इसको राउंड अप करके इसको गिरफ्तार कर दिया है और आज इसको न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। जितने भी साक्ष्य इकट्ठे करके मजबूत से मजबूत तरीके से इसको न्यायालय में सबमिट कराया जाएगा। क्या आरोपी की तरफ से कोई सफाई पेश की गई, उसकी तरफ से क्या कहा गया? आरोपी अभी तो वो है, इसके बारे में तो अभी मैडम है पूछताछ है, उसने कैसे किया है ये अभी तो जांच जारी है, तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही हम आपको पूर्ण रूप से इसकी डिटेल दे दीजिए। इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं, आगे विभाग किस तरह से अलर्ट यहां पर रहेगा और क्या कार्रवाई लोगों पर की जाएगी? हमारी तरफ से मैडम जगह जगह गाँव में जाके नुक्कड़ सभाएं करेंगे, उसमें बताएंगे बच्चों को अकेले ना छोड़ें, ध्यान रखें, इस तरीके के लिए है। हमारी टीमें भी बनी हुई हैं, ऊपर से डायरेक्शंस भी हैं, किसी भी प्रकार के आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और हमारे माध्यम से लोगों को अवेयर भी किया जाएगा। चलिए, शुक्रिया आपका जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो SHO हमारे साथ जुड़े हुए, तो इनकी तरफ से कहा गया कि लोगों को जागरूक इसको लेकर किया जाएगा और आगे इस तरह के मामले सामने ना, इसको लेकर एक्शन तैयार किया गया, एक्शन प्लान तैयार किया गया।